बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बात चल रही है टेंसेस पे और हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं अपना पास्ट टेंस। प्रेजेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस में हम दो टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और वो हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है? चाहे वो सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन्स हैं या फिर प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन्स हैं, उन सब के साथ हम हैड ही इस्तेमाल करेंगे, राइट? ये तो हो गया रूल नंबर वन। दूसरा, इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या है? उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है, जब भी उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे आता है, तो हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब आते हैं यूजेस पे। सबसे पहले ये मैंने जो लिखा है ये मैं बता दूं, इट इज यूज्ड टू शो द आइडिया दैट समथिंग अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूजली कम्बाइंड विद पास्ट इनडेफिनिट टेंस और विद एनी पास्ट टाइम बिकॉज इट शोज दैट एन एक्शन कम्प्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अनदर एक्शन इन द पास्ट, ठीक है? ये क्या स्टोरी है? पास्ट परफेक्ट टेंस हम हमेशा यूज करते हैं उस एक्शन के लिए जो के किसी और एक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो गया पास्ट में, ठीक है? और एक रूल आप पास्ट परफेक्ट टेंस का मजीद अपने माइंड में रखें, वो ये कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ कंबाइन होते हैं, नॉट और हमेशा बट समटाइम्स, ठीक है? और मोस्टली जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो ये आपको तमाम की तमाम स्टोरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? एग्जांपल है, देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन शी रीच्ड द स्टेशन। अब ये ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंची। अब देखिए, एक एक्शन जो है वो ऑलरेडी हो गया दूसरे एक्शन के होने से पहले ही, राइट? तो मतलब इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही कंबाइन हो जाएगा। जब वो स्टेशन पहुंची तो ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, राइट? तो आप यहाँ पर यूज करेंगे हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद दे हैड ऑलरेडी इटन फूड व्हेन ही केम। जब वो आया तो वो पहले ही खाना खा चुके थे, ठीक है? अगेन यू आर कंबाइनिंग हेयर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क टिल यस्टरडे। वो कल तक अपना काम खत्म कर चुका था। अब यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं किया, सो दिस इज सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? तो आप उर्दू आइडेंटिफिकेशन को माइंड में रखें। उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी यही है, चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे या फिर किया था, कि ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया था ये कल तक। ओके, आई हैड रिटन द ईमेल बिफोर ही अपोलोजाइज्ड। मैं पहले ही ईमेल कर चुका था उसके माफी मांगने से पहले, ठीक है? मैं उसके माफी मांगने से पहले ही ईमेल कर चुका था। अब देखिए, यहाँ से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये आपका तकरीबन पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, यू कैन वॉच माई वीडियो अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन आई हैड रिटन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे आर्टिकल लिख चुका था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हैड ही यूज हो रहा है और थर्ड फॉर्म यूज होगी, राइट? अब इसके नेगेटिव्स तो बहुत सिंपल है कि आप हैड के बाद नॉट यूज कर लेंगे। आई हैड नॉट प्रैक्टिस्ड द सॉन्ग बिफोर द प्रोग्राम स्टार्टेड, ठीक है? मैंने प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले गाने की प्रैक्टिस नहीं की थी। शी हैड नॉट इन्वाइटेड हिम अंटिल ही कॉल्ड हर बाई हिमसेल्फ, ठीक है? उसने तब तक उनको इन्वाइट नहीं किया जब तक उन्होंने खुद उसे कॉल नहीं की, या उसने खुद उसे कॉल नहीं की। पीपल हैड नॉट गैदर्ड अंटिल अनाउंस्ड इन द मॉस्क, ठीक है? जब तक मॉस्क में अनाउंसमेंट नहीं हुई, लोग जमा नहीं हुए, राइट? इसी तरह इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में हैड जो है वो आप बिगनिंग में लेंगे। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्या डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था?
Had the train left before they arrived at the station? क्या उनके आने से पहले ही ट्रेन जा चुकी थी? ये जब भी आप किसी को कोई किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आप हैड को जो है वो बिगनिंग में यूज करेंगे, राइट? तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत इजी टेंस है. इसमें आई डोंट थिंक सो कि एनी यू विल बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैं आपको क्या टिप आज दूंगी इंग्लिश के हवाले से. इंग्लिश के हवाले से एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं इमिटेशन टेक्निक. इमिटेशन टेक्निक ये है कि आप कोई भी इंग्लिश मूवी यूट्यूब पे देख लें, नेटफ्लिक्स पे देख लें, टीवी पे देख लें, जहाँ कहीं भी आपका दिल करता है आप देखें विद इंग्लिश सबटाइटल्स. ठीक है, जहाँ पे नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स मौजूद हों आप सबसे पहले वो सुने और वो सबटाइटल्स आप पढ़ें. ठीक है, उसके बाद पॉज दैट मूवी व्हाटसोएवर यू आर वॉचिंग एंड देन इमिटेट व्हाट दे हैव बीन सेइंग. ठीक है, जो वो कह रहे हैं आप भी सेम वो ही रिपीट करें. तो इससे भी आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस हैं, राइट? मेरी इन छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करते रहें सो जस्ट बिलीव मी कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, और एंड में मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं विद नेक्स्ट टेंस एंड फ्यू मोर टिप्स. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.